सेतु का अपडेट देने के क्रम में पाया नंबर 27 से पे पियर कैप बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उधर से पानी जैसे से कम हो रहा है तो रोड बनाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो भी सेगमेंट तोड़ना है और जो सेगमेंट तोड़ा जा रहा है उसे स्मूथली जहाज के बाद ट्रक पे लादा जा सके। और जहाँ तक पियर बनाने की बात है तो पियर कैप जो है 26 नंबर से लेकर के 23 नंबर पाया तक पियर कैप बन गया है। आप देख सकते हैं ये 23 नंबर पाया है और ये पियर कैप बन गया है और इधर 22 नंबर पाया से 19 नंबर पाया तक पियर कैप अभी नहीं बना है और 2 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक पियर कैप बन चुका है और 12 नंबर से लेकर के 22 या 18 नंबर तक पियर कैप बनाने की प्रक्रिया चालू है और उसके बाद जो है पियर कैप बनाने का काम अभी फिलहाल उस आगे के पाए पे नहीं चला है 22 से लेकर 18 तक का। तो अपडेट यही है कि महात्मा गांधी सेतु का कई पार्ट में कई जोन में बांट करके काम चल रहा है और ये अपने तय समय पर पूरा होगा कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरा अगर व्यक्तिगत अगर आप ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि 2019 के अंत तक एक लेन जो वेस्टर्न लेन है जो पटना से हाजीपुर की तरफ आता है वो लेन चालू हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है यहाँ के काम के स्पीड को देख करके। और जब ये चालू हो जाएगा तो इधर वाला जो लेन है जिसके अभी ट्रैफिक दोनों तरफ का ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है उस पुल को फिर क्रश किया जाएगा। तो एक लेन चालू हो जाएगा और पहले से चौड़ाई जो है ज़्यादा होगा, टू लेन के बनिस्पत ज़्यादा होगा चौड़ाई और पूरा आयरन का ब्रिज होगा। तो हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। और शेयर इसलिए कीजिए ताकि ज़्यादातर लोग बिहार के विकास के बारे में जान सके। अब हम अगला अपडेट मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड में जो दिग्गी कला के पास आरओबी बन रहा है उसका अपडेट देंगे। तो इंतजार कीजिए उस वीडियो का, तब तक के लिए इंडस्ट्री का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।